हे गाइस, वेलकम बैक टू लर्न टू कम्पीट। मेरा नाम है हरदीप ठाकुर और आज हम जिस टॉपिक की बात करेंगे वो है एंजल्स कर्व। 19th सेंचुरी के स्टेटिस्टियन थे अर्नेस्ट एंजल, जिन्होंने ये एंजल कर्व दी थी और इन्हीं के नाम पे इस कर्व का नाम क्या रखा गया है, एंजल कर्व रखा गया है। अब ये कर्व क्या बताती है? द कर्व शोज द रिलेशनशिप बिटवीन द लेवल ऑफ इनकम एंड क्वांटिटी परचेज ऑफ ए पर्टिकुलर कमोडिटी। यानी कि इनकम के चेंज होने के साथ साथ हमारी जो एक क्वांटिटी है, कोई भी हम कमोडिटी खरीदते हैं उसके परचेज में क्या चेंज आ रहा है, वो बताती है हमें एंजल कर्व। अब बहुत सारे स्टूडेंट इसे इनकम कंजप्शन कर्व से कंफ्यूज कर देते हैं। हम लोग इनकम कंजप्शन कर्व कर चुके हैं, उसमें क्या होता है कि हम देखते हैं कि कैसे इनकम चेंज होने से कंज्यूमर की एक्सपेंडिचर में चेंज आ रहा है। यानी कि अगर मान लीजिए कंज्यूमर एक्स एंड वाई दो कमोडिटी लेता है तो कैसे इनकम चेंज होने से वो एक्स और वाई पे कंजम्पशन अपनी बढ़ाता है या फिर घटाता है। एंजल कर्व इनकम कंजम्पशन कर्व की तरह ही होती है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। आइए देख लेते हैं क्या डिफरेंस होता है। देखिए, ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है ई1, ठीक है। अब कंज्यूमर की कोई इनकम है, मान लीजिए 300 कंज्यूमर की इनकम है। 300 इनकम पे कंज्यूमर ओ एक्स वन कमोडिटी खरीद रहा है एक्स की, एंड ओ वाई वन कमोडिटी खरीद रहा है वाई की। अलग से हम एंजल कर्व ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे हम क्या लेते हैं, इनकम लेते हैं वाई एक्सिस पे एंड एक्स एक्सिस पे लेते हैं हम कमोडिटी एक्स। देख रहे हैं आप डिफरेंस, देख रहे हैं यहाँ पे। ये हमारा इनकम इफेक्ट है जिसमें हम इनकम कंजप्शन कर्व की बात करते हैं। यहाँ हम निकाल रहे हैं एंजल कर्व, और एंजल कर्व किसके बीच का बताती है डिफरेंस, कि इनकम के चेंज होने से कमोडिटी एक्स की परचेजिंग में क्या चेंज आ रहा है, ठीक है। अब कंज्यूमर की इनकम क्या है, 300 है, और वो कमोडिटी कितनी परचेज कर रहा है, ओ क्यू वन, और वो ईवन पॉइंट पे क्या है, इक्विलिब्रियम पे है। यहाँ हम देख सकते हैं ईवन पे इक्विलिब्रियम पे है, यहाँ पे ईवन पे इक्विलिब्रियम पे है। अब क्या हुआ, कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होगी, मान लीजिए 300 से बढ़ के होगी 400, तो क्या होगा, बजट लाइन कंज्यूमर की आउटवर्ड शिफ्ट हो जाएगी, क्योंकि अब कंज्यूमर की इनकम कितनी हो गई है, 400। तो अब कंज्यूमर एक्स और वाई दोनों कमोडिटी पे यहाँ पे क्या करता था, कंजम्पशन बढ़ा देता था, यानी कि एक्सपेंडिचर बढ़ा देता था, और कंज्यूमर हायर इक्विलिब्रियम पॉइंट पे चला जाता था, जैसे कि यहाँ देख सकते हैं आप E2। सिमिलरली इधर क्या होगा, जैसे ही कंज्यूमर की इनकम बढ़ी 300 से 400 हुई, कंज्यूमर एक्स कमोडिटी क्या कर देगा, बढ़ा देगा, यानी कि वो E2 इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आ गया जब उसकी इनकम क्या होगी, 400 होगी। तो उसने कंजम्पशन क्या कर दी, एक्स की बढ़ा दी, इंक्रीज कर दी। अब थर्ड क्या हुआ, अब मान लीजिए 400 से फिर कंज्यूमर की इनकम बढ़ जाए और 500 हो जाए, तो क्या होगा, बजट लाइन आउटवर्ड शिफ्ट हो गई हमारी, और बजट लाइन आउटवर्ड शिफ्ट हो गई, साथ ही क्या होगा, कंज्यूमर ने एक्स और वाई दोनों कमोडिटी पे क्या कर दी, कंजम्पशन इंक्रीज कर दी, एक्सपेंडिचर इंक्रीज कर दिया, तो कंज्यूमर क्या चला जाएगा, हायर इंडिफरेंस कर्व पे चला जाएगा, और कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या आ जाएगा, E3 आ जाएगा। सिमिलरली आप राइट साइड वाले फिगर में देखें तो अगर इनकम 400 से 500 होती है, कंज्यूमर एक्स कमोडिटी की कंजम्पशन क्या कर देगा, बढ़ा देगा, और कंज्यूमर हायर इक्विलिब्रियम पॉइंट पे चला जाएगा E3। तो देख सकते हैं आप दोनों सेम ही तरीके से निकाले जा रहे हैं। जैसे जैसे इनकम चेंज हो रही है, इनकम इफेक्ट में हम क्या देख रहे हैं, कमोडिटी एक्स और वाई में क्या चेंज आ रहा है, यानी कि इनकम कंजप्शन कर्व जब हम निकालते हैं तो हम देखते हैं कि एक्स और वाई कमोडिटी दोनों में क्या चेंज आ रहा है, लेकिन यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे वाई एक्सिस पे हमने इनकम ली है और एक्स एक्सिस पे हमने कमोडिटी एक्स ली है। तो अगर इधर तीनों इक्विलिब्रियम पॉइंट को मिलाया जाए तो हमें जो मिलती है वो मिलती है इनकम कंजप्शन कर्व, यानी कि हमारी ICC। और यहाँ पे हम तीनों पॉइंट को मिलाएं इक्विलिब्रियम पॉइंट को, तो हमें जो मिलती है वो है एंजल्स कर्व। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एंजल्स कर्व क्या होती है। एंजल्स कर्व हमें बताती है कि इनकम के चेंज होने से हमें किसी एक्स कमोडिटी या किसी भी कमोडिटी के कंजप्शन में क्या चेंज आता है। यहाँ पे हमने दो कमोडिटी का केस देखा था इनकम कंजप्शन कर्व में, यहाँ पे हमने एक सिंगल कमोडिटी का केस देखा इनकम के चेंज होने से। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं एंजल्स कर्व का जो स्लोप है वो क्या है, पॉजिटिव स्लोप है। पॉजिटिव स्लोप का क्या मतलब है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है कमोडिटी एक्स की कंजप्शन क्या हो रही है, बढ़ रही है। अब यहाँ पे एंजल कर्व का स्लोप कैसे निकलेगा, डेल्टा एम यानी कि चेंज इन इनकम डेल्टा एम अपॉन में चेंज इन क्वांटिटी। तो स्लोप ऑफ एंजल कर्व क्या होगा, डेल्टा एम ओवर में डेल्टा क्यू, यानी कि कितना मनी इनकम में चेंज हुआ, मनी इनकम में चेंज हुआ, एम से हम इनकम ले रहे हैं इधर, एंड क्यू है क्वांटिटी में, एक्स कमोडिटी के परचेज में कितना चेंज हुआ, ये क्या है, स्लोप ऑफ एंजल कर्व। और एंजल कर्व का स्लोप यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव का क्या मतलब है कि भाई इनकम चेंज हो रही है जैसे जैसे, वैसे ही कमोडिटी एक्स की कंजप्शन क्या है, इंक्रीज हो रही है। तो ये था नॉर्मल कमोडिटी का केस, जब एक्स कमोडिटी क्या होती है, नॉर्मल कमोडिटी है कोई। अब हम केस देख लेते हैं जब एक्स कमोडिटी क्या है, हमारी लग्जरी गुड है। अब लग्जरी गुड के केस में क्या होता है कि जैसे जैसे हमारी इनकम इंक्रीज होती है, हम नॉर्मल गुड से क्या होते हैं, लग्जरी गुड्स पे ट्रांसफर हो जाते हैं। यानी कि मान लीजिए अगर हम कूलर यूज करते हैं तो हम AC खरीद लेते हैं अगर हमारी इनकम इंक्रीज हो जाए, और अगर हम बाइक चलाते हैं तो हम कार खरीद लेते हैं, अगर हम डालडा घी यूज करते हैं तो उसकी जगह हम देसी घी यूज करना स्टार्ट कर देते हैं। इस तरह से हम लग्जरी गुड पे ट्रांसफर होते चलते हैं जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती चलती है,
ठीक है। अब यहाँ पे हमने वाई एक्सिस पे इनकम ली है, एक्स एक्सिस पे कमोडिटी एक्स ली है जो कि एक लग्जरी गुड है। अब कंज्यूमर की इनकम है 300 और वो इवन पॉइंट पे क्या है, इक्विलिब्रियम पे है और वो OQ1 क्वांटिटी खरीद रहा है एक्स कमोडिटी की। अब कंज्यूमर की इनकम 300 से 400 होगी तो क्या होगा, कंज्यूमर कंजप्शन बढ़ा देगा एक्स कमोडिटी की। अब जैसे ही कंजप्शन बढ़ाई वो E1 से E2 इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आ गया। अब कंज्यूमर की इनकम अगर 400 से 500 हो जाए तो क्या होगा, कंज्यूमर फिर क्या कर देगा, कंजप्शन बढ़ा देगा। तो अगर हम तीनों इक्विलिब्रियम पॉइंट को मिलाएं तो जो हमारे कर्व मिलती है वो हमारी होती है एंजल्स कर्व। अब आप यहाँ देख सकते हैं एंजल कर्व स्ट्रेट लाइन नहीं है जबकि ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है, यानी कि एक्स कमोडिटी की तरफ टर्न हुई हुई है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, स्लोप ऑफ एंजल्स कर्व इज डिक्लाइनिंग। एंजल कर्व का स्लोप क्या हो रहा है, डिक्लाइन होता जा रहा है। कैसे होता जा रहा है, स्लोप ऑफ एंजल कर्व क्या होता है, डेल्टा एम ओवर में डेल्टा क्यू, यानी कि कितना मनी इनकम में चेंज हुआ अपॉन में कितना हमने क्वांटिटी चेंज की। तो अगर हम फर्स्ट केस में देखें मनी इनकम में कितना चेंज हुआ, 100 का, ठीक है, और मान लीजिए यहाँ पे हमने कंजप्शन बढ़ाई थी 20 की, स्लोप कितना आ जाएगा 5। और सेकंड केस का अगर हम देखें इनकम कितनी चेंज हुई, 100, और स्लोप कितना चेंज हो गया, देखिए यहाँ पे अगर 20 है तो ये ज़्यादा है इससे 20 से, मान लीजिए ये कितना है 40 है, तो स्लोप क्या आ जाएगा हमारा 2.5। देख सकते हैं स्लोप क्या हमारा डिक्लाइन हो गया, पहले 5 था स्लोप, अब क्या आ गया 2.5 हो गया। तो एंजल कर्व का स्लोप हम कह सकते हैं कि डिक्लाइन होता जा रहा है जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है। तो लग्जरी गुड के केस में क्या होता है, एंजल कर्व का स्लोप क्या होता है, डिक्लाइन होता चलता है। और एंजल कर्व किस साइड को टर्न होती रहती है, एक्स एक्सिस की साइड को टर्न होती रहती है, क्योंकि लग्जरी गुड के केस में हम जैसे जैसे इनकम बढ़ती है कंजम्पशन पहले के कंपेरिजन में और ज्यादा बढ़ा देते हैं। तो ये था लग्जरी गुड का केस। अब हमने दो केस किए, नॉर्मल गुड, लग्जरी गुड, थर्ड हम कर लेते हैं इन्फीरियर गुड का केस। अब इन्फीरियर गुड के केस में देखिए यहाँ पे हमारी अगर 300 इनकम है और इवन हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है, कंज्यूमर OQ1 क्वांटिटी खरीद रहा है एक्स कमोडिटी की, एक्स कमोडिटी क्या है हमारी, इन्फीरियर है। इन्फीरियर कमोडिटी कौन सी होती है, वो कमोडिटी जो लो क्वालिटी की होती है, यानी कि जैसे ही हमारी इनकम कम होती है हम लो क्वालिटी की गुड्स में एडजस्ट कर लेते हैं, जैसे ही हमारी इनकम बढ़ती रहती है हम हायर क्वालिटी की यानी कि बढ़िया क्वालिटी की ब्रांडेड चीजें खरीदना स्टार्ट कर देते हैं और इनको इन्फीरियर क्वालिटी की गुड्स को खरीदना कम कर देते हैं। तो जब हमारी इनकम 300 थी हम OQ1 क्वांटिटी खरीद रहे थे एक्स कमोडिटी की जो कि इन्फीरियर गुड है। अब हमारी इनकम 300 से बढ़ के मान लीजिए 400 होगी। अब 400 इनकम होगी तो हम इन्फीरियर गुड को खरीदना क्या करेंगे, कम करेंगे कि ज्यादा करेंगे, कम करेंगे, यानी कि जो लो क्वालिटी गुड है इसकी कंजम्पशन हम क्या कर देंगे, कम कर देंगे। तो आप देख सकते हैं जैसे ही इनकम 400 हुई कंज्यूमर ने कंजम्पशन क्या कर दी, पहले OQ1 खरीद रहा था अब OQ2 खरीद रहा है, यानी कि इतनी कंजम्पशन क्या कर दी, कम कर दी, और इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया ये E2। अब फिर दोबारा से अगर हमारी इनकम इंक्रीज हो जाए, मान लीजिए 500 हो जाए, तो हम क्या करेंगे, फिर दोबारा से इन्फीरियर क्वांटिटी यानी कि लो क्वालिटी गुड्स की कंजप्शन को और कम कर देंगे। और आप यहाँ देख सकते हैं जैसे ही इनकम 500 हुई कंज्यूमर ने कंजप्शन Q2 से फिर दोबारा Q3 कर दी, यानी कि कंजप्शन क्या कर दी, घटा दी, और इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या आ गया E3। और तीनों पॉइंट का मिलाएं तो हमारी एंजल कर्व कैसी आती है, बैकवर्ड स्लोपिंग आती है, यानी कि इन्फीरियर गुड के केस में एंजल कर्व क्या होती है, बैकवर्ड स्लोपिंग होती है। तो ये था हमारा थर्ड केस जिसमें क्या किया हमने, इन्फीरियर गुड की बात की। पहला केस था हमारा नॉर्मल गुड का, सेकंड लग्जरी गुड का, थर्ड था इन्फीरियर गुड का। एक और फोर्थ केस होता है जो कि बहुत रेयर होता है। फोर्थ केस कौन सा होता है, न्यूट्रल गुड्स का। न्यूट्रल गुड्स कौन सी होती है, न्यूट्रल गुड वो होती है जिनकी कंजम्पशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर कंज्यूमर की इनकम ज्यादा है या कम है। जैसे कि क्या, जैसे कि साल्ट, हम घर में नमक यूज करते हैं। अब अगर आपके घर में नमक की एक थैली यूज होती है, चाहे आपकी इनकम कम है चाहे ज्यादा है, ऐसा तो है नहीं कि आपकी अगर इनकम ज्यादा होगी तो आप क्या करेंगे, सॉल्ट की कंजम्पशन बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे। तो ये इनकम पे डिपेंड नहीं करता, ये आपके फूड पैटर्न पे डिपेंड कर सकता है, बट ये इनकम पे डिपेंड नहीं करता कि आप घर में कितना नमक खाते हैं। ठीक है, आपकी इनकम जितनी भी है अगर ज्यादा है तब भी आप उतना ही नमक खाएंगे, कम है तब भी उतना ही नमक खाएंगे। तो ऐसी गुड्स को क्या कहते हैं, न्यूट्रल गुड्स कहते हैं। न्यूट्रल गुड्स क्यों, क्योंकि मनी इनकम कितनी भी हो इन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो न्यूट्रल गुड्स के केस में एंजल कर्व कैसी होती है वो देख लेते हैं। अब ये है न्यूट्रल गुड का केस। यहाँ पे देखिए आप, जब कंज्यूमर की इनकम 300 है तब भी वो OQ1 क्वांटिटी खरीद रहा है, ठीक है, और जब उसकी इनकम 400 है तब भी वो OQ1 क्वांटिटी खरीद रहा है, जब उसकी इनकम 500 है तब भी वो OQ1 क्वांटिटी खरीद रहा है। तो यानी कि अगर हम इसे मिलाएं तो हमें क्या मिलती है, एक एंजल कर्व मिलती है जो कि एक स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन का क्या मतलब है कि इनकम चाहे आप कितनी भी इंक्रीज करते रहो क्वांटिटी कितनी रहेगी, OQ1 ही रहेगी, यानी कि सॉल्ट की कंजम्पशन हम उतनी ही रखेंगे। तो न्यूट्रल गुड के केस में क्या होता है, एंजल कर्व एक स्ट्रेट लाइन होती है। तो ये चार केसेस हमने किए। फर्स्ट केस था हमारा नॉर्मल गुड का, सेकंड केस था हमारा
लग्जरी गुड का, थर्ड केस था हमारा इंफीरियर गुड्स का, एंड फोर्थ केस था हमारा न्यूट्रल गुड्स का। आई होप आप लोगों को चारों केसेस समझ में आ गई होंगी। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, ताकि हम आपका डाउट क्लियर कर सकें। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में अप्रिशिएट करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।